आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर वार्ड नंबर 25 से है। आपको बता दें कि जहां जगह जगह पेंशन कैंप का आयोजन किया गया, तो वहीं वार्ड नंबर 25 में भी पेंशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कि भारी संख्या में लोगों ने लाभ लिया। वहीं मौजूद पार्षद मनोज जाटव द्वारा इंद्रेश नगर जाटव वर्ष से दुर्गा मंदिर के पास सामुदायिक भवन में पेंशन कैंप लगाया गया, जिसमें राजकीय पेंशन पटवारी रोहित शाह द्वारा विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन व दिव्यांग पेंशन सत्यापन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राजपुर विधायक प्रतिनिधि विशाल गुप्ता उपस्थित रहे व उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। क्षेत्रवासियों ने अधिक संख्या में उपस्थित होकर कैंप का लाभ लिया व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व विधायक खजान दास और पार्षद मनोज जाटव का लाभार्थियों ने धन्यवाद किया। सबसे पहले तो मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय विधायक राजपुर खजानदास जी के द्वारा हमने कहा गया था कि पेंशन के जो सत्यापन करते हैं पटवारी जी, अमीन जी, उनके लिए वहाँ तहसील जाना पड़ता है, वहाँ सीढ़ियाँ हैं, कोई बेचारा जाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमने ये गुहार लगाई थी सरकार से विधायक जी माध्यम से, तो उन्होंने स्वीकार करा हमारी गुहार को। मैं उनका बहुत बहुत आए दिन से अपने वार्डवासी और अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा सरकार का। और अब तक हमने ये कल परसों तक दो तीन दिन पहले हमको डिक्लेयर हो गया था कि पटवारी जो कि ड्यूटी लगा दीजिए, हमने लिस्ट के द्वारा इनसे संपर्क कर लिया था और उसके बाद हमने लोगों को और व्हाट्सएप से माध्यम से अपने जो आसपास उन्होंने कहा है और फेसबुक जितने भी हम पे माध्यम दिखाई दे उसके द्वारा हमने सबको अवगत करा दिया गया और अपने क्षेत्र में जितने भी आसपास लोगों को अपने जाकर संपर्क करा उनको। इसमें से आप देख सकते हैं समुदाय भवन के अंदर भीड़ है और सुबह से कार्य चल रहा है, गिनती में अभी गिन नहीं सकता कि कितने हो गए हैं जी। मैं अपनी सरकार के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आम जनमानस को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत ही अच्छी शुरुआत की है और पिछले साल ऐसी शुरुआत नहीं थी कि मैं, लेकिन मैं एक अमित जी थे दीपक जी, उनको मैंने आग्रह करा, उन्होंने भी बेचारे वार्ड आए वो और इस बार इसमें सत्यापन आकर करा उन्होंने। मैं उनका बहुत तहसीलदार जी का और पटवारी जी जितने भी उनका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत कर आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज़ के साथ।